हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज का हमारा व्लॉग है मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित ऋण मुक्तेश्वर महादेव। दोस्तों, वीडियो पर अंत तक बने रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर वह मंदिर है जहाँ राजा हरिश्चंद्र जी को कर्ज से मुक्ति मिली थी। चलिए जानते हैं दोस्तों ऋण मुक्तेश्वर महादेव के बारे में। जय श्री महाकाल। राजा हरिश्चंद्र महाराज ने बोला था कि जो यहाँ पर पीला दान चढ़ाएगा जी, पीला दान में जैसे आ गया गुड़ आ गई, चने की दाल आ गई, पीला कपड़ा आ गया, सिर पर नारियल या केसर है कुछ भी, या स्वर्ण में आ जाता है, पीतल का लोटा, तांबे का लोटा, सोना तो आज चढ़ाते नहीं क्योंकि कोई भी आज के जमाने में तो सोना बहुत महंगा हो गया है। बस इसी प्रकार से सब लोग आते हैं, आप देख ही रहे हो, भीड़ लग रही है, अपनी मनोकामना पूर्ण हो रही है, लोग यहाँ पे चढ़ा रहे हैं। और ये सामने शिप्रा तट है, यहाँ पर शिप्रा घाट कहते हैं, ऋण मुक्तेश्वर घाट, ये वट वृक्ष है बहुत पुराना। और ये महादेव भी अंदर, बोलो ये जब वट वृक्ष इतना पुराना आपको दिख रहा है, बहुत छोटा था ये। अच्छा, अब अंदर महादेव अंदर वट वृक्ष के अंदर बैठे हुए हैं। हाँ, देखा भी मैंने। हाँ जी, आप देखना, वहाँ पर अंदर बैठे हुए हैं जी, झुक के जल चढ़ाना पड़ता है वहाँ पर जी। और हर इंसान की कोई भी आएगा, दुखी या अच्छा बुरा, एक लोटा अगर जल भी चढ़ाएगा ना वो, तो उससे हर प्रकार के ऋण मुक्त हो जाते हैं यहाँ पर आने से। अच्छा, हाँ, पीली पूजन तो चढ़ाएगी सर, पर एक लोटा जल चढ़ाने से हर प्रकार के ऋण मुक्त हो जाते हैं। और ये पुराना प्राचीन मंदिर है नाथ संप्रदाय का, उसको नाथ संप्रदाय, अगर उसकी श्रद्धा अनुसार वो पांच, उसको जैसे पांच शनिवार आ गया, पांच गुरुवार या पांच बुधवार या पांच इतवार, उसको एक नियम बनाना पड़ेगा जी। पांच बार उसको यहाँ आना पड़ेगा जी, जी। पांच बार आने के बाद उसकी तीसरे या चौथे में मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अच्छा, किसी प्रकार का ऋण हो, किसी प्रकार का कर्ज हो, वो जल्दी शीघ्र शीघ्र निराकरण होगा। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। ये ऋण मुक्ति के ही लिए स्पेशल महादेव, देखो तो आप ऋण मुक्तेश्वर महादेव, ऋण मुक्तेश्वर महादेव, ऋण के दरिद्र के लिए ही महादेव स्वयं उनका कष्ट हर लेते हैं जी। हाँ जी,